हेलो एवरीवन, मैं हूं आशीष और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल गेट माई यूनिवर्सिटी पे। आंध्र प्रदेश के राउंड वन की रिजल्ट नीट यूजी की डिक्लेयर हो गई है और आज मैं आपको बताने वाला हूं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो मैनेजमेंट कोटा सीट है जिसे बी कैटेगरी कहा जाता है उसमें B1 और B2 में किस तरीके का कट ऑफ देखने के लिए मिला है एज कम्पेयर टू 2022। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ B1 और B2 दोनों कैटेगरी के बारे में। पहले मैं आपको बता दूं कि ये होता क्या है। B1 कैटेगरी यानी कि ओपन सीट्स में जो स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं, जहाँ पे डोमेसाइल एंड नॉन डोमेसाइल दोनों स्टूडेंट्स को वहाँ पे पार्टिसिपेशन करने का मौका मिलता है, तो वो B1 सीट्स कहलाता है। B2 सीट्स का मतलब है जहाँ पे सिर्फ डोमेसाइल कैंडिडेट ही एलिजिबल होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको B1 कैटेगरी की सीट्स पे क्या कट ऑफ रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। B1 कैटेगरी में एक कॉलेज को छोड़ करके, जिसका नाम है महाराजा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि विजयनगरम में है, इस कॉलेज को छोड़ करके बाकी के सारे मेडिकल कॉलेज में कट ऑफ में हाइक देखने के लिए मिला है अगर हम स्कोर की बात करें तो। वहीं रैंक की बात करें तो हर मेडिकल कॉलेज में आपको रैंक वाइज कट ऑफ में ड्रॉप देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि स्कोर और रैंक के बीच में इस बार बहुत बड़ा गैप आया है, इसके वजह से इस तरीके का वेरिएशन आपको देखने के लिए मिल रहा है। सबसे लोएस्ट जो कट ऑफ रहा है महाराजा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में, जहां पे स्कोर रहा है 476 का, 4 मार्क्स से यहाँ पे कट ऑफ ड्रॉप हुआ है। पिछले साल 480 मार्क्स पे यहाँ पे आखिरी सीट अलॉट हुई थी इस कॉलेज में, तो इस बार 476 पे अलॉट हुई है। 2022 में जो सबसे लोएस्ट कट ऑफ रहा था वो था श्री बालाजी मेडिकल कॉलेज में, जहाँ पे 467 में आखिरी सीट अलॉट हुई थी, तो इस साल 476 पे आखिरी सीट राउंड वन में अलॉट हुई है। वहीं हाईएस्ट कट ऑफ की अगर बात करें तो NRI मेडिकल कॉलेज गुंटूर में 548 मार्क्स पे B1 कैटेगरी में स्टूडेंट को आखिरी सीट अलॉट हुई, यानी कि कट ऑफ बहुत हायर साइड पे है। पिछले साल से अगर इसे कंपेयर करें तो 16 मार्क्स से यहाँ पे कट ऑफ बहुत ऊपर चला गया है, यानी कि पिछले साल का हाईएस्ट मार्क्स था 532 का और लोएस्ट मार्क्स था 467 मार्क्स का, जो कि इस साल 548 हाईएस्ट हो गया है और लोएस्ट है 476। सबसे ज्यादा स्कोर में अगर चेंजेस आया है तो वो है नॉन मैरिटी में डॉक्टर पी सिद्धार्था मेडिकल कॉलेज, जहां पे 31 मार्क्स से कट ऑफ में इस बार इंक्रीमेंट देखने को मिला है। टॉप 5 अगर कॉलेज की बात करें जहां पे सबसे ज्यादा कट ऑफ रहा है इस बार, तो नंबर 1 पे NRI मेडिकल कॉलेज गुंटूर, नंबर 2 पे है NRI मेडिकल कॉलेज जो कि नेल्लोर में है, नंबर 3 पे है अल्लूरी सीताराम, नंबर 4 पे है NRI मेडिकल कॉलेज विशाखापट्टनम और नंबर 5 पे है अपोलो चित्तूर, जो कि बहुत फास्ट ग्रो करता जा रहा है आंध्र प्रदेश के अंदर में और आने वाले टाइम पे और भी ज्यादा ये कॉम्पिटिटिव होता चला जाएगा। वही माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज की बात करें तो निमरा में 365 का कट ऑफ रहा है राउंड वन में और वही 332 मार्क्स पे फातिमा में आखिरी सीट अलॉट हुई है, बट दोनों कॉलेज में माइनॉरिटी कोटा में कट ऑफ में बहुत ज्यादा इस बार इंक्रीमेंट हुआ है, बहुत ज्यादा कट ऑफ हाइक देखने के लिए मिला है। अब B2 कैटेगरी की बात करते हैं, यहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ रहा है वो NRI मेडिकल कॉलेज गुंटूर में 497 मार्क्स पे आखिरी सीट अलॉट हुई है, इसके बाद में अल्लूरी सीताराम में 449 पे, नारायणा मेडिकल कॉलेज नेल्लोर में 440 मार्क्स पे, विश्व भारती मेडिकल कॉलेज कर्नूल में सबसे लोएस्ट कट ऑफ रहा है 351 का B2 कैटेगरी में। अब मैं आपको बताता हूं कि जो कट ऑफ आपने देखा B1 कैटेगरी और B2 कैटेगरी में, B1 में 476 का लोएस्ट और B2 में 351 का लोएस्ट कट ऑफ, ये फर्दर राउंड्स में ड्रॉप होंगी जरूर, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं B2 कैटेगरी में जो कि शिफ्ट करेंगे गवर्नमेंट कॉलेजेस में जब गवर्नमेंट की कट ऑफ यहाँ पे ड्रॉप होती है, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो गवर्नमेंट एडेड ए कैटेगरी सीट्स है वहां पे भी बच्चे शिफ्ट करते हैं तो कट ऑफ ड्रॉप जरूर होगा, क्योंकि सीट्स कई यहाँ पे वैकेंट नजर आएगी। B1 कैटेगरी में भी जो ओपन कैटेगरी की सीट्स हैं जहां पे नॉन डोमिसाइल पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए भी मैं बता दूं कि पिछले साल भी इनिशियल राउंड में कट ऑफ बहुत हायर साइड पे था, बट आगे के राउंड में जाकर के कट ऑफ बहुत ज्यादा ड्रॉप हुआ, तो अगर आप मॉप अप या सेकेंड मॉप अप तक वेट करते हैं तो बहुत अच्छे कॉलेजेस में सबसे ज्यादा सीट वैकेंट होकर के आती है और उस समय कट ऑफ टॉप के कॉलेज में ज्यादा ड्रॉप करता है और लोअर साइड पे जो कॉलेजेस रहते हैं उनमें कट ऑफ बहुत माइनर ड्रॉप करता है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अगर आप कहीं और भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं पैरेलली तो कैलकुलेटिव डिसीजन लीजिएगा कि आपको किस राउंड में आंध्र प्रदेश में सीट ले लेना है, अगर आंध्र प्रदेश आपके बैकअप ऑप्शंस में है तो। अगर आप आंध्र प्रदेश को प्रायोरिटी में लेके चल रहे हैं तो राउंड 2 से मॉपअप राउंड में आपको सीट यहाँ पे लेना चाहिए, क्योंकि वो बेस्ट राउंड होगा
आपके लिए लोअर स्कोर पे अच्छे कॉलेज के लिए। अब जिनको अलॉटमेंट मिली है उनको क्या करना है, जिनको अलॉटमेंट मिली है बी कैटेगरी की सीट्स में, तो उनको सबसे पहले ऑनलाइन मोड पे 25,100 रुपीस का पे करना है जो कि यूनिवर्सिटी फीस है, तभी जाकर के अलॉटमेंट लेटर आप डाउनलोड कर पाएंगे। और इसके बाद में आपको कॉलेज लेवल पे रिपोर्टिंग करनी है। डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट आप कॉलेज लेवल पे जरूर चेक करिएगा, क्योंकि कई ऐसे कॉलेज हैं जहां पे बैंक गारंटी एप्लीकेबल है, तो वो टाइम आपके पास में ज्यादा नहीं है क्योंकि 24 अगस्त को आपको रिपोर्ट करना है, इसी बीच में आपको सारी फॉर्मेलिटीज करनी है। कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जहां पे बैंक गारंटी एप्लीकेबल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल नारायणा मेडिकल कॉलेज नेल्लौर। तो बाकी के कॉलेज में भी आप अपने लेवल पे जरूर चेक करिए जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। जो बच्चे रिपोर्ट नहीं करना चाहते उनके लिए रूल क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आप फिर भी आगे के राउंड्स में बने रहेंगे, बट रूल के मुताबिक जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वो कॉलेज आपको अगले राउंड के चॉइस में नहीं शो करेगा। तो आंध्र प्रदेश की काउंसलिंग में आप बने रहिए, आगे तक बने रहेंगे तो लोअर स्कोर पे ऑप्शंस मिलेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लैरिटी मिली होगी और शायद आप आगे के राउंड्स में बेहतर तरीके से प्लान करके चलेंगे। 400 एंड अबव अगर स्कोर है तो B1 कैटेगरी यानी कि ओपन सीट्स पे स्टूडेंट को सीट यहां पे मिलेगी, वहीं B2 कैटेगरी में हो सकता है लेस देन 300 पे भी यहां पे सीट्स मिलने की चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, हमारे साथ में जुड़े रहिए, बने रहिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने कमेंट शेयर करिए और लाइक जरूर करिएगा हमारे वीडियोस को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट।